वेलकम टू इजी कुकिंग किचन। इजी कुकिंग किचन में आप सबका स्वागत है फिर से। तो आज मैं बनाने वाला हूँ चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप, जो सारे चॉकलेट रेसिपी से रिलेटेड है, मतलब चॉकलेट हो या चॉकलेट मिल्कशेक हो, सबसे रिलेटेड है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो भी नया है चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहिए। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करने वाला हूँ, मतलब स्पेशल टिप भी देने वाला हूँ जो मैं मेन इंग्रेडिएंट में नहीं बताऊँगा, ठीक है? इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। तो हमें चॉकलेट सिरप बनाने के लिए चाहिए 1/2 कप कोको पाउडर, 1/2 कप शक्कर और 1/2 कप पानी। तो हम एक वाइट सा वेजल लेंगे, तो हम ऐड करेंगे फर्स्ट 1/2 कप पानी, उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 कप शक्कर और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 कप कोको पाउडर। हम ऐड करके तीनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और जब तक इसको चॉकलेटी रंग नहीं आ जाएगा तो हम अच्छी तरीके से ये कोको पाउडर को पानी के साथ मिला लेंगे। तो अब हम ये स्टोव पे रख के मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे, ठीक है? जैसे ही शुगर मेल्ट होगा, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाला हूँ, तो मैं ऐड करने वाला हूँ कंडेंस मिल्क 1/2 कप, ठीक है? इसको ऐड करके अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसका एक ही फ़ायदा जो है कि ये ज़्यादा थिक होगा और अलग-अलग मतलब यूनिक फ्लेवर आएगा चॉकलेट सॉस में और आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो डालिए, वरना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अब फिर से हम 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट तक ये अच्छी तरीके से पक चुका है मीडियम फ्लेम पे। तो अब हम स्टोव ऑफ करके इसको ये तकरीबन 5 मिनट्स तक कूल कर लेंगे। कूल करने से ये और ज़्यादा थिक होगा, ठीक है? और चॉकलेट सॉस अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब हम एक कप में निकाल लेंगे और चॉकलेट सॉस इज रेडी। तो आप अगर मिल्क शेक बना चाहते हो तो मिल्क शेक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चॉकलेट डार्क चॉकलेट भी बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आप सबको चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप की रेसिपी कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट रेसिपी मैं क्या बनाऊँ वो भी ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। और हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।